तो हेलो दोस्तों, सेल्फी का जो कलेक्शन है मैंने आपको बताया था बहुत ही वाहियात है, बहुत ही बुरा आया है। तो पहले दिन सेल्फी ने कमाए थे लगभग 2.5 करोड़, दूसरे दिन कमाए 3 साढ़े 3 करोड़, चौथे दिन भी वो 4 करोड़ भी टच नहीं कर पाई, वो 3.5 से 3 करोड़ 80 लाख पे ही रह गई। टोटल कलेक्शन जो सेल्फी का आया है वो बहुत ही बुरा है, मतलब कि कार्तिक आर्यन जो अभी अभी एक्टर आए उनसे भी बुरा कलेक्शन, और अक्षय कुमार और इमरान हाशमी जैसे बड़े सुपरस्टार, और फिल्म का कलेक्शन सिर्फ 10.5 करोड़ हुआ है, लाइफ टाइम कलेक्शन 12 करोड़ होने वाला है। फिल्म 110 करोड़ की बनी है और 12 करोड़ कलेक्शन लाइफ टाइम होने वाला है। और अक्षय कुमार की जो राम सेतु पिछली आई थी उसने 15 करोड़ पहले दिन ही कमाए थे, वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। दिवाली के अगले दिन 50-60 करोड़ फिल्में कमाती हैं एक दिन में, पर अक्षय कुमार की फिल्म ने सिर्फ 15 करोड़ रुपये कमाए थे, जो कि बहुत ही बुरा था। और अब तो सेल्फी ने हद ही कर दी, 2.5 करोड़ रुपए कलेक्शन बहुत ही बुरा होता है। कोई भी फिल्म 2.5 करोड़ कर लेती है, अर्जुन कपूर की फिल्म कुत्ते ने भी पहले दिन 2-3 करोड़ कमा लिए थे, और अक्षय कुमार जैसे स्टार अगर 2-3 करोड़ पहले दिन कमा रहे हैं, टोटल 10-12 करोड़ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो बहुत ही बुरा टाइम आ गया अक्षय कुमार का लगता है। पर ये बाउंस बैक करेंगे, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और हेरा फेरी 3 और आवारा पागल दीवाना 2 भी आ रही है, ओ माय गॉड 2 भी आ रही है। तो ये फिल्में शायद अक्षय कुमार को कमबैक कराएं, बट ये फिल्म का जो कलेक्शन है ये अक्षय कुमार का सबसे बुरा दिन है, उनके फैंस के लिए बहुत बुरा दिन है कि फिल्म 10-12 करोड़ पर रैप हो गई, और फिल्म का कलेक्शन जो मंडे को आने वाला है वो सिर्फ मुझे लगता है 50-60 लाख रुपये आने आ रहा है, और लाखों में फिल्म आ गई तो 12 करोड़ पर लाइफ टाइम खत्म, 100 करोड़ का नुकसान हुआ है फिल्म को, 100 करोड़ का, जो कि बहुत बुरा है। तो वीडियो देखने के लिए, आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए टाटा।